वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राकेश टिकैत, किसानों के हित की बात करने वाले, किसान आंदोलन में जिनके आंसुओं ने आंदोलन का रुख बदल कर रख दिया था, जिन्होंने कहा तो ये था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब लगता है कि कैमरे के सामने बोल बोल कर उन्हें अब राजनीति में रुचि आने लगी है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे की जाती है ये भी अब वो समझ चुके हैं। इसलिए ही तो पहले मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शांति की अपील करने वाले राकेश टिकैत ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के समय हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने वाले मुगल आक्रांता औरंगजेब की मजार औरंगाबाद के खुल्दाबाद में पहुंचते और बकायदा औरंगजेब को नायक बताने वाली किताब को लेकर तस्वीर भी खिंचवाते हैं। लेकिन राकेश टिकैत की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आती हैं बवाल मच जाता है और लोग ताबड़तोड़ अपने रिएक्शन से राकेश टिकैत पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं। किसी ने राकेश टिकैत को औरंगजेब का भक्त बता दिया तो किसी ने उन्हीं किसानों के हित की झूठी बात करते हुए अपनी राजनीति चमकाने वाला कह दिया। यही बात तो भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कही जिसके वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। संगठन के कई नेताओं ने राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाए और पद से हटा दिया। नेताओं ने कहा कि राकेश टिकैत अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और किसानों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया, जिसके बाद उन सदस्यों ने अपने नया संगठन भारतीय किसान यूनियन आ राजनीतिक के नाम से बना लिया। और यह सब हुआ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर। किसान आंदोलन में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले राकेश टिकैत जिस तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन बनाते बनाते केवल एक राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे थे, वो ये बता रहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सिद्धांतों से वो काफी दूर निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का विरोध करने वाले राकेश टिकैत ने तब भी ये माहौल खूब बनाया था कि किसान भाजपा से काफी नाराज है, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए वो टिकैत के लिए चौंकाने वाले जरूर थे, क्योंकि पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था उसे जाट लैंड कहा जाता है और इस पर भारतीय किसान यूनियन का काफी दबदबा भी माना जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद राकेश टिकैत का सारा प्लान फेल हो गया और किसान आंदोलन के खत्म होने के 6 महीने के अंदर ही राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए। कहा यह भी जाने लगा कि मोदी सरकार ने किसानों की मांगे मानकर राकेश टिकैत का करियर ही खत्म करके रख दिया। कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में राकेश टिकैत पर हमला हुआ और स्याही फेंकी गई। अब वो ज्ञानवापी और देश के अन्य मंदिर और मस्जिद के मुद्दे के बीच औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने पहुंचे, जिसको सोशल मीडिया पर तो खूब आलोचना मिल रही है। और अब राकेश टिकैत के औरंगजेब प्रेम पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।